हाँ जी, तो ये मैं बताना चाह रही थी कि सर्दियों में भी ज्यादातर हम निशात के कपड़े पहनते हैं। मैं तो फैंसी जो सूट होते हैं ना, तारों वाले, मोतियों। जगन्ना क्या हो गया? जगन्ना एक मिनट, जगन्ना डामा लो, जल्दी से डामा लो, टक दिना दिन, जल्दी से डकार मार लो। जी हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम पहनते हैं लोन के निशात। अगर कोई इवेंट आया है गर्मियों में तो टोटली टोटली लोन, काफ़ी खानदान में काफ़ी लोग ज़्यादातर लोन पहनते हैं, ठीक है। और मैं भी ऐसे ही, हमने नहीं देखना कि कोई वलीमा है या कोई फैंसी, बहुत ज़्यादा गर्मी की तबीयत है, हम लोन के सूट ही ऐसे ही लेते हैं, उनको सेटिंग ऐसे करते, प्रॉपर वो सज जाते हैं हमें। और इस बार ये हुआ है कि सारे ही सूट मेरे डिसेंट कलर के होते हैं, ज़्यादातर जो प्रिंट आते हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा ना पसंद आते हैं, डिसेंट कलर, ब्लैक एंड वाइट स्किन इस तरह के होते हैं। जी तो मैं ये बोल रही थी कि इस बार जिंदगी में पहली बार मेरे हावन ने मुझे ये बोला कि तुम कोई फैंसीस, फैंसीस नाम आता है उनको, तुम कोई फैंसी ड्रेस पहन लो। और मैं हैरान होगी कि आपका इतने सालों बाद गौर हुआ है और आपको ये भी चीज़ें पता है। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं सबको बता रही कि देखें औलाद क्या चीज़ होती है, खुशी क्या चीज़ होती है कि बंदे का एक दूजे पर गौर होता है। अल्लाह का लाख शुक्र इतने सालों बाद मेरे शोहर ने ये लफ्ज़ बोला, तो मुझे बहुत गर्मी लगनी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोन को पसंद करती हूँ। और मैंने अपनी बेटी की वजह से यहाँ पर जो है ना शर्ट, इतना हैवी वाला काम नहीं करवाया। और काम काम क्या मुराद आपको मैं बताती हूँ, ये चीज़ें आप जहाँ से भी सस्ते बाजार में जाएं आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी, क्योंकि ये प्योर का, अबल तो आपको इतना प्योर कपड़ा मिलेगा ही, बहुत कम प्योर के ऊपर आपको कैश मिलेगी। और ये बात कि ये 25,000 22,000 बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैं साथ साथ में व्लॉग भी बना रही हूँ। तो मैं ये बात कर रही थी कि ये चीज़ें आप बाजार में वाइट कलर में आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा महंगी, 22,000 में आपको शर्ट दुपट्टा मिलेगा कम से कम भी, ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊं कि हम ज़्यादातर, क्या सच बोल रही हूँ, मैं सच बोलूँगी इस टाइम, ठीक है। जो एक हमारे पास है शॉप, वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी सिस्टर करती हैं काम, उनको वहाँ से आते हैं ड्रेस और साड़ियाँ, ज़्यादातर पुराने दौर की, असल प्योर कपड़ा जो होता है, असल मुकैश, और बहुत ज़्यादा प्योर मुकेश के अलावा भी बहुत ज़्यादा प्योर, लेकिन थोड़े थोड़े ना उनमें पुराने हैं ना, तो उसमें फ़र्क होता है, और होते वो खुले कपड़े हैं, जैसे कि साड़ी हो गई, खुली खुली साड़ी नहीं होती, इस तरह के कपड़े आते हैं, तो हम उनका फ़ायदा ये उठाते हैं। और वो शॉप वाला यही बोलता है कि यहाँ से लेकर जाती हैं, ड्रेसेस बनाती हैं डिज़ाइनर्स और सेल करती हैं वो इतने इतने ज़्यादा महंगे, और यकीन जाने वो डिज़ाइनर भी बहुत अच्छा करें, क्योंकि ये क्वालिटी अब कपड़ा आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो हम भी यही करते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड की मर्जी के ड्रेस पहन तो रही हूँ, लेकिन यकीन जाने कलर तो बहुत अच्छा है, मैंने कभी पहना नहीं मैरून कलर, लेकिन ये कपड़ा इस टाइम गर्मी जैसे है, काकी को पकड़ना है, तो मेरे पास कैप्री, आपको दिखाती हूँ, कैप्री जो है मेरे पास प्योर कपड़ा हुआ था, बड़ा अच्छा शेड है, हाँ ये प्योर का ब्यूटी बूटी वाला कैप्री है। और शर्ट मैंने सिंपल सिंपल सी रखाई, ऊपर मुकैश नहीं रखवाई, दुपट्टे को थोड़ा हैवी कर लिया ताकि मेरी काकी को चुभे ना, ठीक है। और मैं चोने अपने बेबी के ना छोटे छोटे से ड्रेस दिखाती हूँ, 4-5 हो गए ड्रेस, तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं अपनी बेबी के ड्रेस। मैंने फ्लैश ऑन करके आपको ये कलर दिखाया, कलर बहुत मेरी दोस्त को पसंद आया, मैरून कलर मेरा इतना फेवरेट नहीं है ना, मैं कभी पहनती हूँ पता नहीं, मुझे लगता है मुझे फीके कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आपको ये बताऊँ कि ये मूवी और सॉन्ग लगाने का मुझे इतना, मुझे ये मेरी फेवरेट अंग्रेज अंग्रेज मूवी है, ये रात को लगी हुई थी, वो मेरा ख्याल आया एकदम, दर्जी आ नहीं रहा था, तो शुक्र अल्लाह का कि लोग में ही मैंने ये सूट मेरे दर्जी लिया है, हालांकि बहुत सताती हैं, मैं क्या बताऊँ, वो भी व्लॉग देख रही होगी मेरा, चाहे मेरा फ़ोन ना सुने लेकिन मेरा व्लॉग ज़रूर देखती हैं। तारा ने किधर किसी और को तेरे कपड़े सवा ले, मैं सुहावगी, सुनते पे हो जो तुम लेट करोगे थे। और जी शूज़ मैंने देखना है अपना, कंफर्टेबल, कोई फैशन नहीं करना इतना, और अपनी बेटी को जो मुझे लगे कि सही सही ड्रेसिंग, हाँ जी। तो
बात मेरी कंप्लीट होगी कि नहीं? आपको इस तरह से प्योर का स्टफ चाहिए होगा तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, सस्ते में आपको मुकेश और बहुत ज्यादा प्योर का स्टफ मिलेगा। ठीक है जी, जब से 1.25 महीना पूरा कर रही हूँ मैंने कोई नया सूट नहीं पहना और मैं तड़फ रही हूँ बहुत ज्यादा। जल्दी से मैं ये कपड़े पहनूँ। और ये मारिया बी की कॉपी की है एक बड़े ब्रांड ने। ठीक है जी, यकीन जाने कि उनका कलर इतना अच्छा नहीं, उनका स्टफ इतना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने साथ में कैश सॉरी क्रिंकल का दुपट्टा लिया हुआ है, प्रिंटेड कोई और, लेकिन मुझे अलकरम में वॉयलोन का स्टफ मिला था और मैंने ये पूरा 3 पीस घर में पहनने के लिए बनवाया। और ये देख सकते हैं, और बाकी के जो दुपट्टे हैं आज आए थे काम करने घर में, सफाई वगैरह, तो मैंने कहा जल्दी से मुझे दुपट्टे भी पीको आप ही करवा दो। ये देखें, निशात का आपको एक सूट दिखाऊंगी, इसका असल जो सूट का जिसके साथ ये पूरा 2 पीस लगा हुआ है ना दुपट्टा, बहुत एक्सपेंसिव महंगा वाला सूट है। इसका दुपट्टा बहुत ही आला और इसका कलर कंट्रास्ट जैसे गर्मियों में अच्छा लगता है, ठंडे ठंडे सूट। मुझे तो निशात के लोन के दुपट्टे बहुत ज़्यादा। शर्ट सिलने गई हुई है, इसकी भी शर्ट सिलने गई, ये कम्प्लीट हो गया। एक रेशम घर का सूट है वो भी दिखाऊंगी। सूट तो मेरे पास काफ़ी हो गए। तो मेरे हस्बैंड को, मेरे शोहर को यकीन जाने दाढ़ी बढ़ाई हुई है उन्होंने कि मैं एक ही बार शेव करूंगा। ईद हमने नहीं मनाई, उनके अंदर ये भी चाह है कि मैं मानी के साथ फिरूँ, सैर करूँ। अब आपने ये देखना है कि हम पहली बार कहाँ जाते हैं और किसके घर जाएंगे पहली दावत पे। ठीक है जी, मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट तो कर दें। हाँ, ये हुआ 2-3 बार मैं गर्जी में बच्चों को ज़्यादा ऐड कर लिया, जाहिर सी बात है खुद को नहीं दिखाना, और कोई कम ही लोग अब मिलने आ रहे मुझे, तो मेरे पास बच्चे ही आते हैं, मैं क्या करूँ वो ही अब मुझे। लेकिन ये है, यूट्यूब पर ना अकाउंट हो तो कोई मसला नहीं, मुझे मेरी याद तो कैप्चर हो रही है ना, बच्चों के साथ भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है मेरे कुछ कपड़े, और अब आपको दिखाएंगे हमारी दातें कब शुरू होंगी जी। तो मैं कहना ये भूल गई यार, इतने अच्छे व्यूज देते हो, लाइक क्यों नहीं करते? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ 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 जी। तो एक टाइम ये आता है कि मैं अपनी बेटी का पैम्पर उतार कर, छोटी सी बच्ची यार, इतने पैम्पर कसे कसे डाल के बच्चा अक जाता है तो मैं क्या करती हूँ, पैम्पर उतार कर ना उसको इतना सुकून और स्माइल करती, और जितनी मर्जी रैश हो जाए आपकी पेंट बहुत महंगी वाली पाउडर सब कुछ लगा ले, जब तक आप हवा नहीं ना लगवाओगे बच्चों को उसका रैश ठीक नहीं होगा। फर्स्ट टाइम इसको कहते हैं जो छूछू होता है वो थोड़ा सा होता है गर्माइश वाला, बच्चा पेट में से निकलता है तो उसका वो ना वो बहुत ज़्यादा ना रैश कर जाता है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बस इसको हुई है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज महीने के ऊपर कितने दिन हो गए अब तक मैंने दोबारा इसको रैश नहीं होने दी। और हाँ, खेचल तो होती है जाँच से बाहर, देखते रहना छूछू तो नहीं किया, दोबारा से चेंज करना पड़ता है। एक हल्की सी जामी डाल देती हूँ और ऊपर से कंबल दे देती हूँ, तो मेरी बच्ची को हवा लगती है, इतनी मुस्कुराती, यकीन करें बच्चा है, जाहिर सी बात है हम केयर है ना, तो बंदा कर लवे कोई गल नहीं, बच्चे को देखता रहे बच्चे ने सुकून तो मिल रहना, तो तकलीफ से बच्चा नहीं है। तो मेरी वड्डी भैन बहुत ज़्यादा मैं इंज कर देने, तो मैं यह चीज़ पसंद आती कि बंदा पैंपर 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 थक, मैं मास देख नहीं लगे निशान पैदे नहीं लगे, मैं अपनी टीम तकलीफ से नहीं आई सी, कोई गल नहीं मैं टाइम लग जाए मुझे खेचल हो जाए कोई मछला नहीं, असं जे नालों नाल टपरे ढोने अभी पा करने तुम कट्टी हो कि नहीं, अम्मा से पा कट्टी हो कि नहीं, अगर कट्टी हो तो फिर